डॉक्टर मीनल जैन, आफ्टर ए लॉन्ग एंड लॉन्ग टाइम आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने कुछ रूब्रिक्स लेकर, और आज सबके लिए कुछ तो भी स्पेशल है। रिसेंटली हम लोगों ने केस टेकिंग पर एक टॉपिक कंप्लीट किया, और उसके लिए ही आज मैं सबके लिए एक स्पेशल इस वीडियो में लेकर आई हूँ, और वो है आज मैं आप लोगों को एक लाइव ऑडियो केस टेकिंग मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। उसमें एक पेशेंट है 40 इयर्स ओल्ड, और उसको क्रोनिक एलर्जिक राइनेटिस का प्रॉब्लम है। वो कंप्लेंट्स लेके वो मेरे पास आता है, और बाकी भी बहुत सारी दूसरी कंप्लेंट्स लेकर धीरे धीरे वो केस टेकिंग में बताता है मुझे। और एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि मैं उसको वहाँ पे नेचर आपका कैसा ऐसा पूछती हूँ, तो वहाँ मेरी केस टेकिंग कंप्लीट हो जाती है, और मैं पेशेंट को पेशेंट मतलब मैं केस टेकिंग में सिर्फ अब केस की सीटी करती हूँ, मतलब कंफर्मेशन टेस्ट, जिसमें कि मैं श्योर हो जाती हूँ कि हाँ हाँ ये इसकी केस है करके। तो ठीक है, तो सबसे पहले आप पहले हम लोग सुनते हैं ऑडियो केस, और उसके बाद में देखेंगे केस का एक्सप्लेनेशन, सम रूब्रिक्स। उस समय पानी पी लिया या कोई चीज ले ली ठंडा, उससे गला खराब हो गया। मेरी कोई भी सर्दी जुकाम की गले से ही शुरू होती है, और ऐसे लगता है कि कोई ना कोई गले की प्रॉब्लम के कारण ही फिर वो कहते ना यहाँ से और चीज़ें भी सारी। ठंडी चीज़ मैं बिल्कुल अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ, ठंडी चीज़ मेरे को बिल्कुल वो नहीं सूट नहीं करती। अगर कोई आइसक्रीम या बर्फ ऐसे कुछ ले लिया ना तो बहुत जल्दी वो रिएक्ट हो जाता है, फट से गला पकड़ लेते हैं। तो ठंडी चीज़ थोड़ा कम ही लेता हूँ, ठंडा पानी यहाँ तक कि ठंडा पानी होता है ना वो भी नहीं लेता हूँ, एकदम जो ठंडा पानी होता है ना वो भी नहीं ले सकता। ऐसे जैसे कहते ना कि कोल्ड पानी बोलते ना, बस वो ही ले सकते, लेने की कोशिश करते नहीं मिलता है, कई बार ठंडा ही आता है, पीना पड़ता है। पी लिया वो मुझे पता है कि भाई ये पी रहा हूँ तो रिएक्ट होना ही है। मौसम की होती है ना दिक्कत, तो उसमें गैस की भी प्रॉब्लम होती है, ऐसे मुझे लगता है कि गैस पास नहीं होती है या दुकान नहीं आती है या इस तरह से ऐसे हैं। तो जैसे दवाई भी लेता हूँ, आज अगर दवाई ली ना तो आज काम नहीं करेगी, कल शाम तक 24 घंटा निकल जाएगा, उसके बाद में उसका असर आता है, ऐसे मुझे लगता है। यानी कोई भी चीज़ का है ना स्लो वो रिजल्ट मिलता है मुझे। ठीक है, अभी जैसे आज अगर दवाई ली ना तो डॉक्टर तो क्या 3 घंटे में तो आपको एकदम रिजल्ट मिलेगा। मैं कोई भी दवाई ले ली तभी वो कल उसका रिजल्ट मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। जैसे पेट साफ करने की भी दवाई ली ना तो आज शाम को भी ली ना तो लोग क्या कहते हैं अगले दिन सुबह तक एकदम क्लियर हो जाएगा, वो सुबह क्लियर नहीं होगा शाम तक जाकर के वो क्लियर होगा। कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम बहुत बार होता है, हो जाता है। तो मिर्ची मेरे को बिल्कुल नहीं चलती, मिर्ची की कोई भी चीज़ है ना ऐसे पेट गर्म हो जाता है, थोड़ा सा भी अगर मिर्ची ले लिया तो एकदम पेट गर्म हो जाता है। तो फिर आप लेते हो या नहीं? नहीं लेता, बहुत ध्यान रखते हो? बिल्कुल। अब ठीक है, कई बार आ जाता है, पड़ता है तो खाते हैं, फिर वापस तकलीफ हो जाती है। और ऐसे समझो अभी फीका खा के बोर हो जाते तो फिर ऐसा नहीं लगता है कभी? नहीं 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 नहीं, फीका खा करके नहीं, मैं तो मीठा खाना पसंद करता हूँ। नहीं पर अभी समझो आप बोल रहे ना कि मिर्ची मुझे बिल्कुल भी सहती नहीं है, तो फिर थोड़ी तो मिर्ची वगैरह? बिल्कुल ही नहीं, मैं तो फीका आ जाए ना तब तो फिर कम चीज़ें या तली हुई चीज़ें कम लेने की कोशिश करूँ, तो फिर भी चलता हूँ ना तब ऐसे मुझे लगता है कि गर्मी बढ़ जाती है, और चलने जैसे एक जगह रहते हैं तो कब्ज़े की इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, जितनी चलने से गर्मी हीट होती है, और पानी का भी वो फिर जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है, थोड़ा बहुत भी कहीं हुआ।
तो उसके कारण ये सारी क्लाइमेट आज चेंज हुआ ना, मुझे 24 घंटा पहले महसूस हो जाता है कि क्लाइमेट चेंज होने वाला है। ह्यूमिडिटी होती है या से बादल होते हैं ना, तो मुझे पहले आभास होने लग जाए, जैसे कोई घटना भी होती है ना, मुझे पहले आभास होने लग जाए। और बोलो आपके नेचर के बारे में। नेचर ठीक नहीं रहा था, तुरंत मेडिसिन चाहिए। वैसे मैं मेडिसिन अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ, किंतु ये रहता है कि वो फिर जल्दी ठीक हो जाऊँ, तो वो भी एक मन में रहता है। कोई चाहिए ही वो वाली बात नहीं है, मैं यही कोशिश करता हूँ कि मैं फिर वो कारण खोजने की उसमें चला जाता हूँ कि भाई क्यों हुआ ऐसा, क्या हुआ ऐसे सोचने लग जाता हूँ। फिर वो कारण तो मिलता है नहीं मिलता है, और फिर वो कहते हैं लाइफ में फिर नए विचार आते हैं, नए दिन आता है, नए उस हिसाब से फिर वापस कोई अपना सामान है या कई चीज़ें हैं, तो अब जैसे कोई भी आया हमारे बिना पूछे छेड़ लिया, तो एक वो लगता है कि भाई क्यों छेड़ा, क्यों बिना मतलब। जब ठीक नहीं रहता ना, तब शांत सो जाना मालूम पड़ता है क्या, और कुछ भी नहीं करो, बस कुछ नहीं करना पड़ता। जुनून जुनून नहीं तो पक्का हूँ कोई भी चीज़ का फिर जरूरी है यही नहीं, जो चीज़ में मन में आई फिर उसका जुनून चढ़ जाता है, वो नहीं जब तक करी तब तक मन नहीं लगता ये बात है। ठीक है जुनून नहीं तो पक्का हूँ। अभी जैसे मैंने PhD की तो बहुत हार्डनेस, बहुत तरह की सिचुएशन और आती रही, मैं कहते हैं ना कि बर्फ बन करके और सबको झेलता गया करता अपने को करना। तो ये मैं कई बार सोचता हूँ कि मैंने जो सोचा, जो लास्ट का पिन पॉइंट है वो मुझे पता है कि क्या होगा, अब बीच का क्या है वो आता रहेगा, वो चलता रहेगा, मैं उसको एक तरह से नेगलेक्ट करते हुए चलता हूँ। वो मुझे दिख जाता है कि भाई हाँ यहाँ मैं पहुँच गया हूँ, ये दिखता है मुझे अब पहुँच गया। वो तो कल्पना में पहुँचा, किंतु रियल में पहुँचते हैं उसमें बहुत सारी हो जाएगा। कैसी है साता है, क्या मेडिसिन से कुछ फायदा हुआ क्या? बहुत अच्छा लगा। सो गाइस आपने केस अच्छे से सुनी होगी। अभी मैंने कौन से केस में रूब्रिक्स उठाए इसका एक्सप्लेनेशन अब हम देखेंगे, और मैंने कौन सी रेमेडी दी वो भी हम अभी देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट रूब्रिक मैंने इस केस में उठाया था वो था डिल्यूजन इंजरी अबाउट टू बी रिसीव। जब केस स्टार्ट होती है ना, आप केस को फिर से सुनिए, केस को जब स्टार्ट होती है तो वो क्या बोल रहा है पर्सन, कि जैसे कि ठंडा पानी पिया तो रिएक्ट करूँगा ही करूँगा ऐसा वो बोलता है। और वो बोलता है केस में जैसे कि गैस की जो मुझे प्रॉब्लम है, ये मौसम चेंज हुआ है तो मुझे होने ही वाली है, इस टाइप में वो कुछ उसके सेज है, उसके कुछ वर्जन है, तो वो आप अच्छे से सुनिए। और फिर आगे आगे वो बोलता है कि ठंडी चीज़ मैं अवॉइड करता हूँ, तो केस में बहुत जगह पर ना मुझे दिखा कि वो कॉशियस है, कि वो ये चीज़ नहीं कर रहा है, वो चीज़ नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसको डर लगता है कि आगे बढ़ ना जाए और ज़्यादा तकलीफ ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कॉशियस लिया, फर्स्ट रूब्रिक लिया डिल्यूजन इंजरी अबाउट टू बी रिसीव, दूसरा लिया कॉशियस। अब जो ये पेशेंट है, ये जो होता है ना वो फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करता रहता है उसके काम के सिलसिले में, तो उस वजह से क्या होता है ना, तो पूरे केस में ना मुझे बहुत जगह पर थियोराइजिंग ये वाला रूब्रिक मिला, कि वो उसके जो काम है उसका जो काम की वजह से उसको बार बार ट्रैवल करना पड़ता है, तो उस वजह से उसको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है, उसको कुछ पेट रिलेटेड भी थोड़े से प्रॉब्लम्स रहते हैं। तो पेशेंट अब केस में क्या बोलता है अच्छे से सुनिए। वो बोलता है कि एक जगह रहता है तो कब्ज की इतनी प्रॉब्लम नहीं रहती जितनी चलने से गर्मी होती है, हीट होती है, पानी जितना चाहिए उतना नहीं होता है, उसके कारण से ये सारी प्रॉब्लम्स आती है। मतलब कैसे, कि बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है, पानी का
प्रॉब्लम पानी कम हो जाता है, उस वजह से जो मोशन से या जो स्टूल से वो टफ हो जाती है और उसके वजह से उसको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। ये उसका थियोरी है, ये थियोरी उसने मेरे सामने रखी, ठीक है। यहाँ पे मैंने थियोराइजिंग लिया, उसके बाद में मैंने एक पेशेंट एक जगह पर और इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो बोल रहा है कि 24 आवर्स पहले ही मुझे पता चल जाता है कि क्लाइमेट चेंज होने वाला है, कोई भी घटना घटने वाली है तो मुझे पहले ही पता चल जाती है। तो ऐसा पेशेंट मुझे बोलता है तब मैं वहाँ पर एक रूब्रिक लेती हूँ, वो है क्लैरवांस। उसके बाद में वो बोलता है कि जब जब भी ऐसा होता है तो मैं सोचने लग जाता हूँ ये ऐसा क्यों हो रहा है, उसका रीज़न खोजने लगता हूँ, ऐसा केस में आगे पेशेंट बोलता है। तो वहाँ पर वो क्या करता है ना कि खुद के मन से ही रीजंस ढूंढता है, फिर ऐसा नहीं तो वैसा, वैसा नहीं तो वैसा, फिर कैसे, इस टाइप से उसमें से एक कंक्लूजन निकालने की कोशिश करता है। तो वहाँ पर मैंने लिया ब्रूडिंग, ये वाला रूब्रिक मैंने उठाया ब्रूडिंग। फिर केस में वो मैंने ही खुद लीडिंग क्वेश्चन उसको डाला था, क्वाइट स्पॉन्स टू बी, ये वाला रूब्रिक वहाँ पर आता है कि जब ठीक नहीं रहता तो सिर्फ शांत पड़े रहना ऐसा लगता है क्या, तो वहाँ पे क्वाइट स्पॉन्स टू बी, वो तो जस्ट कन्फर्मेशन के लिए मैंने उसको पूछा था, ये मैंने कंसिडर नहीं किया इस केस में, बट आता है। उसके बाद में ना जब वो धीरे धीरे उसके खुद के बारे में, मैंने उसके स्वभाव के बारे में पूछा, उसके नेचर के बारे में जब पूछा, तब मैं कंफर्म थी रेमेडी पर, तब मैंने उसको पूछा कि जुनून है क्या आप में एक, तो फिर वो कैसे बता रहा है, उसका पीएच देखिए, वो बोल रहा है कि मुझे जुनून है, फिर वो उसकी सब बातें बताता है कि उसने पीएचडी की, तो पीएचडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आए उसको, ये सब वो बातें बताता है। तो वो सब में ना दो रूब्रिक्स थे, फर्स्ट रूब्रिक था परसिवरेंस, कितना भी हार्ड रहो, कितना भी टफ टाइम रहो, फिर भी वो उसने उसको कंप्लीट किया, वो चीज़ को वो लगे रहा उस चीज़ के लिए, तो वहाँ मैंने परसिवरेंस लिया। और दूसरा रूब्रिक कंसिडर किया था वो था क्लैरिटी ऑफ माइंड, कि उसका गोल सेट था कि उसको क्या करना है, उसको पीएचडी करना है, तो फिर उसने पूरी पीएचडी होने तक पूरा हार्ड वर्क किया और उसको लास्ट में उसके मंजिल तक ही वो पहुँच गया, ठीक है। तो ये थी छोटी सी केस, और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे रूब्रिक्स थे, और लास्ट में मैंने ये सब रूब्रिक्स को मिलाने के बाद में पेशेंट को एक रेमेडी दी, और वो रेमेडी है ऑफकोर्स अभी तक तो सबको पता चल ही गया होगा कि मैंने क्या रेमेडी दी थी उस केस में, और मैंने दिया था लैकेसिस, और उसको लैकेसिस 200 का स्टैट 3 डोसेज दिए। उसके बाद में मैंने थोड़े दिन तक उसको एसएल चलाया, बीच बीच में जैसे जैसे आपने फॉलो अप तो आप सुनोगे ही फॉलो अप के बाद में, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे पेशेंट मेरे पास फॉलो अप नेक्स्ट उसके देते गया, तो मैंने उसको थोड़े थोड़े रिपीट किए डोसेस लैकेसिस 200 के। उसके बाद में पेशेंट 2-3 फॉलो अप देने के बाद में फिर आया नहीं, वो कंप्लीट क्योर हो गई वो केस मेरी। होप गाइस आपको मेरी ये छोटी सी ऑडियो केस अच्छी लगी होगी। केस टेकिंग का टॉपिक लिया था इसलिए मैंने ये छोटी सी केस ली, ताकि आपको समझ में आ जाए कि पेशेंट क्या क्या बोलता है, कैसे बोलता है, कैसे फ्लो में है। अभी ये जो पूरी केस है ना, जब पूरी केस चलती रहती है ना, तो इसमें एक और आप रूब्रिक कंसीडर कर सकते हैं, वो रूब्रिक है कम्युनिकेटिव। उसका कम्युनिकेशन कितना अच्छा था, मैं पूछी क्वेश्चंस तो भी वो उसकी तरफ से सब कुछ अच्छे से मुझे बता रहा है 1 by 1 कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ उसका कम्युनिकेशन स्किल भी दिखता है ये केस में, आप इसे भी कंसिडर कर सकते हैं। सो गाइस आपको ये मेरे वीडियोज अच्छे लगते हो तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जितने ज़्यादा लोगों तक आप इसे पहुँचा सकते हो तो पहुँचाइए, ताकि जितने भी लोग हैं कि जो सोचते हैं कि होम्योपैथी इज वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी वास्ट, तो उन लोगों के लिए बहुत ही ये एक अच्छा एग्जांपल रहेगा कि होम्योपैथी इतनी डिफिकल्ट नहीं है। आप माइंड थ्रू भी प्रैक्टिस करोगे फिर भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे। पढ़ेगा होम्योपैथ तो बढ़ेगी होम्योपैथी। टेक केयर।